20 क्वेश्चंस करेंगे जिनके आने के एग्जाम में बहुत उम्मीद है, ठीक है। हम बहुत सारे 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं, डेली हम 20 क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं हर एक नए टॉपिक से, रिपीट कुछ भी नहीं है, आज भी 20 क्वेश्चंस हैं और होप सो आपको एग्जाम में पूछे जाए। हो सकता है ये 20 के 20 कॉपी एंड पेस्ट हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है होने में, क्या जाता है, ठीक है। नहीं, पहला हम ज्योति से क्वेश्चन करते हैं। करंट एविएशन मिनिस्टर, करंट एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ज्योति बताओ जी। जहाजों का, ठीक है, जहाज से रिलेटेड, ठीक है। ज्योति आदित्य सिंधिया, मैंने बोला पहला क्वेश्चन ज्योति से करते हैं, ज्योति आदित्य सिंधिया। लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया कौन सा है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल भी लिख लेते हैं भाई, ये तो देव आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली बस एयरपोर्ट कहाँ पे, ये हाईएस्ट रैंकिंग है इसकी, ठीक है। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग वीवीएस लक्ष्मण है, चेयरमैन ऑफ सुब्रमण्यम, और कोई बताएगा? भाई मैंने, अच्छा ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहले भाई तो कुछ और बोलते हैं, दूसरा कुछ बोल और बोलते हैं, तीसरा मैम अगर ये नहीं है तो फिर वही होगा भाई। सीईओ कौन है? सीईओ कौन है नीति आयोग के? वाइस चेयरमैन, भाई प्लानिंग कमीशन, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए, प्लानिंग कमीशन 2014 से पहले एक कमीशन था जिसमें 5 ईयर प्लान किए जाते थे भारत के, उस कमीशन को प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस प्लानिंग कमीशन को 2014 को हमने रिप्लेस कर दिया नीति आयोग के साथ, किसके साथ? नीति आयोग। और प्लानिंग कमीशन के हमेशा चेयरमैन हेड जो थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही रहते थे, और नीति आयोग के भी चेयरमैन याद रखेगा हमेशा कौन रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मुझे पूरा यकीन था आप लोगों को ये आंसर नहीं आता, हजार बार पढ़ाया है फिर भी तुम यहाँ पे गलती करते हो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कोई भी भारत का प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो नीति आयोग का चेयरमैन रहेगा। फर्स्ट नहीं, करंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया शुक्ला बोल दो, राजीव कुमार। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कौन है? राजीव कुमार शुक्ला नहीं है भाई, वो फर्स्ट कुमार, राजीव कुमार है। फर्स्ट
आरगुड़ी डेज माल गुड़ी डेज बोलो भाई आर के नारायण के किया नारायण ने वही हाँ वही हुआ किया नारायण हाँ किया नारायण प्रेसिडेंट का नाम क्या था आर आर के नारायण तो ये क्या है किया नारायण के आर नारायण के आर आर के नारायण नहीं है मैं देखो बड़ी मार कर रही थी के आर नारायण जो थे प्रेसिडेंट के भाई आर के नारायण ने मारगुड़ी डेज लिखा था किसके लिखा था आर के आर के नारायण फादर मदर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन जैसे मिल्क की रेवोल्यूशन हुई थी ठीक है मीनाक्षी बोलो मदर ऑफ ये तो एग्रीकल्चर के लोगों को तो आता है अंडों में रेवोल्यूशन लाई थी क्रांति लाई थी मदर में इंदिरा गांधी इंदिरा Who gives slogan Jai? कौन? सुभाष Who is called Martin Luther of India? Dhyanand Saraswati क्या है Dhyanand Saraswati Who founded Rama Krishna Paramahans organization Swami Vivekananda Who founded सर सैयद अहमद ये भी आता तुमको मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसको भी आता था सर टाइटल लिया था ब्रिटिशर्स ने सर सैयद एस वाई सर सैयद अहमद खान सर सैयद अहमद खान हू वाज़ द वॉइसराय ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हू वाज़ द वॉइस Roy during formation of India, I mean India National Congress. Who na? The first ring. Thank you.
वर्ल्ड. दो क्वेश्चन याद रखिए, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड फादर ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड. ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, ठीक है. फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड नॉर्मन पिक्चर है ना, नॉर्मन फर्स्ट इंडियन वुमेन टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स. फर्स्ट, वेरी गुड डे. फर्स्ट इंडियन नीलिमा घोष. पहले करना मलेश्वरी या नीलिमा घोष पर डिसाइड. नहीं, नीलिमा घोष. फर्स्ट इंडियन फीमेल पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स. This state is called God's own country. God's own. गॉड ने बनाई है परशुराम के बारे से, बहुत उनका इंस्ट्रूमेंट था से बनाई है केरला. लैंड ऑफ सेवन हिल्स अफ्रीका. लैंड ऑफ सेवन हिल्स, लैंड ऑफ सेवन आइलैंड है. रोम को क्या बोलते हैं? डिसाइड कर लो भाई. रोम, इटली, ठीक है. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. द हेग, नीदरलैंड. Largest producer of which country produce largest milk? Largest producer of milk in world. India. Milk in world. Beta AC band kar. India. Esplanade is associated with which game? Chess. Esplanade. Associated with which game? Which? Badminton. Bakra Nangal Dam is built on which river?
बाखड़ा नंगल डैम ऑन बिच रिवर situated on the bank of which Agra is situated किसके यमुना Agra is situated on the bank 20 हो गए 90 on the bank of which कौन सी है गंगा यमुना Highest lake in India. Highest dam in India. हमारा हीरा कुंडी गुजराता है टेहरी डैम ये 20 क्वेश्चंस हैं रिपीट कर रही हूँ ठीक है बहुत इजी है देखते हैं पहला क्वेश्चन गुरसिमरन क्या है गुरसिमरन नहीं है क्वेश्चन पहला गुरसिमरन हमारे एक बच्चे का नाम है ठीक है एविएशन मिनिस्टर होते हैं जो जहाज वगैरह को जो एयर से रिलेटेड चीजें ठीक है ये कौन है हमारा ज्योति आदित्य हमारी क्लास में भी है उन्हीं से हमने शुरुआत की थी इस क्वेश्चन की भी ज्योति आदित्य सिंह ये महाराजा है ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं सिंधिया ठीक है मराठा होलकर सिंधिया और भोसले और गायकवाड़ ये मराठा क्लैन है क्या रखेगा तेज सुन ले कौन पांच मराठा क्लैंस कौन कौन से हैं गायकवाड़ भोसले सिंधिया होलकर और पेशवा ठीक है ये पांच मराठा झांसी की रानी क्या थी सिंधिया से ग्वालियर से झांसी की रानी बॉर्न कहाँ हुई थी ग्वालियर भाई बहुत से बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं झांसी की रानी सुनिए बॉर्न हुई थी वाराणसी यूपी से थी कहाँ से थी यूपी में बॉर्न हुई एमपी में शादी हुई समझ आया हम पैदा भी एमपी में करते हैं मारते भी इसको एमपी में है शहीद भी इनको एमपी में करते हैं नहीं झांसी की रानी वाराणसी में पैदा हुई ठीक है और मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी ग्वालियर शादी कहाँ हुई थी झांसी में ठीक है ग्वालियर से थोड़ी दूर इस क्वेश्चन को बाद में ठीक है करेंट एविएशन मिनिस्टर लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया अमन नहीं केशव केशव हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया अपना पास है ले वाला ले एयरपोर्ट कौन सा है ले एयरपोर्ट मंदीप नवदीप हाईएस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया हाँ एशिया का भी हाईएस्ट नेशनल पार्क हैमिस है इंडिया का भी क्या रखेगा ठीक है चेयरमैन ऑफ नीति आयोग प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी प्राइम जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो चेयरमैन रहते हैं नीति आयोग सीईओ ऑफ नीति आयोग सुब्रमण्यम और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग सुमन बेरी वाइस प्रेसिडेंट है नीति आयोग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहते हैं और सीईओ जो है वो है बीबीआर सुब्रमण्यम और इसके साथ एक क्वेश्चन कर लीजिए अटॉर्नी जनरल करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेंकटरमन
ठीक है, और करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है, पहले ये सीईओ थे नीति आयोग, अब ये क्या, नहीं पहले सीईओ नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट थे और सीईओ थे अमिताभ कांत। ठीक है, मालगुड़ी डेज किसने लिखी है, के आर मदरा, सिल्वर रेवल्यूशन, सिल्वर रेवल्यूशन एग्स की रेवल्यूशन थी भारत में, दूध की क्रांति किसने लाई थी, बिर्गेश, किसने, बिर्गेश ने लाई थी, और सिल्वर की क्रांति, और एग्रीकल्चर में क्रांति किसने लाई थी, ग्रीन रेवल्यूशन में, ग्रीन रेवल्यूशन में एम एस स्वामी, और सिल्वर में इंदिरा गांधी, और मिल्क में बिर्गेश। ठीक है, स्लोगन जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, वो कौन सा स्लोगन है जिसको भगत सिंह ने यूज किया था पहली बार पार्लियामेंट, इंकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में, कौन है ये, राम प्रसाद बिस्मिल, इसको डांट पड़ती परसों, इसको याद कैसे करूं, आर एस बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल पूरा नाम, राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पे यूपी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट एक बाग भी बनाया। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती कौन थे, फाउंडर किसके थे, आर्य समाज के, किसके फाउंडर थे, आर्य समाज के, आगरा सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, आर्य समाज के फाउंडर दयानंद सरस्वती, ब्रह्मो समाज के, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केसी सैन, और कौन सा समाज है, प्रार्थना सभा, प्रार्थना समाज, बोल भाई, प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है, आप चुप हो जाते हैं, बड़े सही है। राखी मैम है ना, तूने मेरे मुंह से बर्फ खींच ली है, तुझे पता था मैम ने यही बोला है, राखी मैम है ना, सही है भाई, जो याद करवाऊंगी ना वो याद करो। खिदमत करके आत्माराम तो कर खान अब्दुल गफर खान, जो क्वेश्चन बीच में बोल रही हूँ ना वो भी लिख ले, 20 प्लस एडिशन है जिनका टेस्ट हो रहा है, यूट्यूब वाले बच्चों को भी हो रहा है। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम, जब भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हम करते हैं साथ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी याद किया करो। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर है मदन मोहन मालवीय, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद अहमद खान। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, कल ये मैं टॉपिक 10 क्वेश्चन आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के करवाऊंगा। ठीक है, जिसमें से हो सकता है सीयूटी में इजी वाले होंगे, आपको डिटेल्ड वाले नहीं होंगे, बट ये याद रखना जब भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई जा रही थी तब वॉइस राइज कौन थे, लॉर्ड डेफरी, फादर ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग, और फादर ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन इन इंडिया एम एस स्वामी नाथन, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी चेयरमैन ऑफ डब्ल्यूएचओ ये भी एस सोमा नाथन। ठीक है, डब्ल्यूएचओ की जो डिप्टी चेयरमैन है वो भी भारतीय है, एस सोमा नाथन, और इसरो के जो चेयरमैन है उनका नाम भी एस सोमा नाथन। ठीक है, फर्स्ट इंडियन फीमेल टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स नीलिमा, कौन है, नीलिमा गोल, डोर जोन कंट्री केरला, डोर जोन कंट्री केरला, लैंड ऑफ सेवन हिल्स लैंड ऑफ सेवन आइलैंड मुंबई, लैंड ऑफ हिल्स रवांडा, लैंड ऑफ हिल्स रवांडा, लैंड ऑफ सेवन आइलैंड मुंबई एंड लैंड ऑफ सेवन हिल्स रोम, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
द हेग नीदरलैंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन वर्ल्ड इंडिया व्हिच कंट्री प्रोड्यूस लार्जेस्ट मिल्क इन द वर्ल्ड इंडिया एस प्रोने सानिया नेहवाल ये सब ये की टाइम के प्लेयर्स हैं ठीक है एसोसिएटेड विद बैडमिंटन दीपिका कुमारी एसोसिएटेड विद व्हिच गेम आर्चरी और अंतानु दास अभी तो क्वेश्चन कराया सिल्वर जीत के लाया वहां से आर्चरी अंतानु दास आर्चरी ज्योति बताओ मुझे भवानी देवी फेंसिंग भवानी देवी फेंसिंग भवानी देवी से क्वेश्चन हो सकता है ठीक है फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई ओलंपिक्स इन फेंसिंग एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020 भवानी देवी बाक्रानंगल डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया बोस्टल डैम ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया ये लिख लो ये क्वेश्चन बोस्टल डैम ये कहाँ पे है इसको अपर डैम भी कहते हैं अपर लेक ओल्डेस्ट लेक डैम नहीं भाई गलत बोल दिया ओल्डेस्ट डैम जो है कलाना डैम है ठीक है करिकल करिकल ने बनाई थी हाँ कलाना के एच ए एल एल ए एन कलाना डैम और जो ओल्डेस्ट लेक है वो अपर द लेक है वो राजा भोज ने बनाई थी ठीक है राजा भोज ने लेक सिटी ऑफ इंडिया भोपाल लेक सिटी ऑफ इंडिया भोपाल ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप तैयार करके रखिएगा कल और परसों वाले मैंने आर्टिस्ट बनाना है लेना नहीं लेना लेना जो भी हो रहा नहीं ले मुझे ठीक है बट देना है ठीक है ऑल द बेस्ट थैंक यू जय हिंद जय हिंद।